हे गाइस, तो Redmi K20 Pro यूजर्स के लिए MIUI 12.0.3.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको इसका अपडेट अभी भी नहीं मिला है तो कुछ दिन आप वेट कीजिए, आपको इसका अपडेट बहुत ही जल्द मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे यूजर्स का ये भी कमेंट आ रहा है कि अपडेट आपको आया फिर आपने कुछ देर के लिए इग्नोर कर दिया, फिर से अपडेट चला गया, तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में वीडियो बनाकर रखा हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाके आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस अपडेट के अंदर आपको नया क्या देखने को मिलता है। तो आज जब मैं सुबह वीडियो बनाया था वहाँ पे मैं रफली एक बार चेक किया था, तब मुझे कुछ भी वैसा कुछ खास नया नहीं देखने को मिला था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया दिया था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन फिर किसी यूज़र ने मुझे कमेंट किया और बताया कि साउंड के अंदर साउंड असिस्टेंट करके एक नया फीचर हमें देखने को मिला है। और उसके बाद जब मैं और अच्छे से चेक किया तो लगभग मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, एक दिन, आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था और मैंने काफ़ी सारे रिसर्च, काफ़ी सारे चेक करने के बाद मैंने इसे काफ़ी सारे चेंजेस देखा कि इस अपडेट के अंदर आया है। तो क्या कुछ आपको नया देखने को मिलता है इस अपडेट को करने के बाद, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। साथ साथ बैटरी बैकअप आपको कैसा मिल रहा है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे जो पहला चेंजेस है वो यहाँ पे नया एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल के अंदर है। तो 1 सितंबर 2020 का आपको यहाँ पे नया सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला चेंजेस ये है। नेक्स्ट अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो ब्लूटूथ के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो सो ब्लूटूथ डिवाइसेस विदाउट नेम्स और इस तरीके का एक नया फीचर हमें देखने को मिला है। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जो भी आप इस फोन के साथ प्यार करेंगे तो इसका नाम नहीं बल्कि जो इसका एड्रेस होता है, जैसे ब्लूटूथ का एक आईपी एड्रेस टाइप का एक एड्रेस होता है, सिर्फ उस टाइप का आपको एड्रेस शो होगा, नाम आपका नहीं शो होगा। तो इस तरीके का एक नया फीचर आपको ब्लूटूथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो वो है यहाँ पे साउंड के अंदर। तो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो साउंड असिस्टेंट करके एक नया ऑप्शन है और यहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शन है। तो फ़ायदा क्या है, तो आप मान लीजिए अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं जैसे कि MX प्लेयर या फिर कोई वीडियो प्लेयर हो गया या फिर गैलरी में कोई भी अगर आप प्ले करते हैं तो हर एक जगह पे आप साउंड जो है अलग अलग सेट करके रख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर ओपन करूँ और कोई भी एक रैंडम सॉन्ग मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साउंड का आइकन आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे साउंड को कम या फिर ज़्यादा करता हूँ तो इसे सिंपली आप लोगों को टैप करके आपको इस म्यूज़िक प्लेयर का साउंड कितना रखना है उसे आप सबसे पहले सेट कीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसे एकदम डाउन कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस म्यूज़िक प्लेयर को ओपन करूँगा वॉल्यूम मेरा एकदम ज़ीरो रहेगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे गाना में आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे गाना में कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साउंड है वो अगर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस सॉन्ग को पॉज करूँ और इसके बाद अगर मैं फिर से म्यूज़िक प्लेयर में आऊँ और प्ले करूँ तो जो साउंड था वही हमें देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रेस किया एक बार तो इसीलिए साउंड इंक्रीज़ हुआ, अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज़ किया एकदम बंद कर दिया। तो इस तरीके का आप हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग साउंड जो है सेट करके रख सकते हो कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर आपको कितना ज़्यादा वॉल्यूम का लेवल चाहिए। तो इस तरीके का एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो वो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर आऊँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्पेशल परमिशंस के अंदर आऊँ तो यहाँ पे जो मैनेज वर्चुअल आईडी है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता था इससे पहले, लेकिन अब आप इसे चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। इस तरह से वर्चुअल आईडी के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने MIUI 12 के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, तो अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो वो है यहाँ पे गैलरी के अंदर हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो जो वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटर के अंदर काफ़ी सारे नए नए ऑप्शंस हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स वगैरह नया हमें देखने को मिला है। एडिटर के अंदर भी यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन हमें देखने को मिल चुका है। जो फिल्टर्स वगैरह है इसके अंदर भी कुछ नया है और साउंड ट्रैक्स में भी यहाँ पे कुछ नए नए साउंड ट्रैक्स वगैरह ऐड किया है।
तो ये सब आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा गैलरी के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी स्काई की फ़ोटो पे ऊपर आ जाता हूँ, तो ये है एक फ़ोटो। और अगर मैं यहाँ पे इसे एडिट करने के लिए जाऊँ एडिट वाले बटन पे और स्काई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले सनी था और सनी के अंदर कुछ लिमिटेड था, लेकिन अभी फिलहाल और कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो सारे जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है इसे आप लोगों को सबसे पहले तो डाउनलोड वगैरह करना होगा, और इस तरीके का आप और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स वगैरह आ चुका है इस तरीके का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इवनिंग का, तो इवनिंग में भी यहाँ पे काफ़ी सारे और नए नए इफ़ेक्ट्स ऐड हुआ है, नाइट के अंदर भी हुआ है, और डायनामिक के अंदर जो कुछ लिमिटेड था अभी और भी यहाँ पे तीन ऐड हो चुका है, जैसे कि रेन हो गया, मिल्की वे हो गया और फायर वर्क्स वगैरह हो गया। तो सभी जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है इसे आप लोगों को डाउनलोड करना होगा एक एक करके। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा चेंजेस यानी कि आया है गैलरी के अंदर इस तरीके का, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिवाली आ रहा है तो ये इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और मैं जो भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता हूँ जितने भी फ़ोन्स वगैरह से, मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे बिना एडिट किए हुए अपलोड वगैरह करता हूँ। तो अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हो तो ज़रूर से जाके आप एक बार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने देखा हूँ कैलकुलेटर के अंदर, तो कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे एक नया चेंजेस किया है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरल सिस्टम करके एक जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और इसके बाद अगर मैं एक और चेंजेस की बात करूँ तो वो हमें देखने को मिला है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर। तो स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर यहाँ पे जो फिक्स्ड फ्रेम रेट करके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यहाँ पे अभी देखने को मिल जाएगा। तो फिक्स फ्रेम रेट की वजह से आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा यहाँ पे ड्रेन नहीं होगा, बैटरी थोड़ा हद तक आपका सेव होगा। तो इस तरीके का कुछ नया ऑप्शन हमें देखने को मिला है। और लास्ट चेंजेस के अगर मैं बात करूँ तो जो मी ब्राउज़र और मी वीडियो प्लेयर है इसे अब आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अनइंस्टॉल वाला आइकन है ये अभी अवेलेबल हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। तो ये भी यहाँ पे एक नया चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो वो हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कैमरा के अंदर। और कैमरा के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर आते हो तो यहाँ पे एक आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, इसे सिंपली आप लोगों को टैप करना है। और जो भी स्टूडियो लाइटनिंग वगैरह है वो फ़ोटो क्लिक करते ही आप डायरेक्टली इन सारे इफ़ेक्ट्स को आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे होली का एक एग्जाम्पल दूँ तो फ्रंट कैमरा मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेंटर में सिंपली आप लोगों को टैप करना है इस तरह से, और पोर्ट्रेट में इस तरह से कोई भी पिक्चर क्लिक करना है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो जी नहीं, ये एक्चुअली हुआ नहीं, इफ़ेक्ट्स नहीं ऐड किया था, हाँ तो होली के अंदर आया। और इसके बाद सिंपली आपका जो फेस है वो यहाँ पे सर्कल के अंदर रखना होगा, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर क्लिक करना है, और ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस होगा। और प्रोसेसिंग के बाद कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट्स अभी आप देख सकते हो। तो आप डायरेक्टली इस तरीके का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो ये भी एक नया ऑप्शन पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। सो गाइज, जो भी फीचर्स वगैरह मैंने आप लोगों को बताया, सिवाय जो सेटिंग्स के अंदर जो साउंड इफ़ेक्ट्स है इसके अलावा, ये तो आप में से किसी यूज़र ने मुझे कमेंट किया था, लेकिन जो भी बाकी सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह है वो मैंने एक एक करके ढूंढा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो नीचे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन लास्ट में जाने से पहले बैटरी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फुल चार्ज किया था अपडेट करने के बाद, मैंने फ़ोन को पूरा फुल चार्ज किया, इसके बाद मैंने आज सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, और अभी 7% हो चुका है। और एक दिन का अगर मैं यहाँ पे बैटरी यूजेज के बारे में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस, और यहाँ पर मैं आता हूँ बैटरी यूजेज स्टैट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्टिव टाइम है वो 8 hours 18 minutes का है, और उनमें से अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 8 घंटे का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम। तो जी हाँ, बैटरी बैकअप पहले से ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूव हुआ है इस अपडेट के अंदर। तो अभी सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी MIUI 12 में अपडेट कर चुके हो तो देन आप इस अपडेट को कर लीजिए। अगर आपने अभी भी MIUI 12 में अपडेट नहीं किया है, अगर आप अभी भी MIUI 10 या फिर MIUI 11 में हैं
तो मैं आप लोगों को अभी भी वही रिकमेंड करूंगा कि कुछ दिन आप वेट कीजिए। मैं बहुत ही जल्द इसके रिगार्डिंग एक फुल रिव्यू लाऊंगा, जिसमें मैं स्पेशली बात करूंगा इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप के बारे में। और उस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को फाइनली बताऊंगा कि तब आप लोगों को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी और सवाल है, कोई भी और अगर आप लोगों ने ऐसा फीचर वगैरह देखा है तो नीचे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।